हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्राई से फिर से एक जो है प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्ट है इंटेली किट्स से। तो इंटेली के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बच्चों की फन वे में किस तरीके से हम उनकी लर्निंग करा सके उस बेसिस पे बने होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये कार्टन में फर्स्ट क्राई के ये आया है, जिसको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये एज 4 से 6 इयर्स के बच्चों के लिए है। तो ये जो है थीम बेस्ड जो है एक्टिविटी है। तो जो मैंने जो थीम लिया है ये फैंटास्टिक फूडीज से है, मतलब जो भी इसमें एक्टिविटी है ये फूड रिलेटेड एक्टिविटी है। तो चलिए मैं आपको एक एक एक्टिविटी दिखाती हूँ इसकी। तो ये हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले जो है इसको कैसे किट को यूज करना है वो इसकी एक शीट दी हुई है। दूसरा जो है ये स्टार शेप के स्टिकर्स हैं। जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी पूरी होती जाएगी ये स्टिकर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक कैलेंडर दिया हुआ है। तो ये पूरा 1 मंथ का कैलेंडर आप देख सकते हैं। ये पीछे जो है द हैप्पी ट्रैकर है, और इसको जब टर्न करेंगे तो यहाँ पे 1 मंथ का आपको कैलेंडर मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका बच्चा एक्टिविटी कम्प्लीट करता जाएगा आप उसे स्टिकर लगा के स्टार दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये 8 एक्टिविटी है। जैसे जैसे ये एक्टिविटी जिस तरीके से आई है मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये 4th नंबर की एक्टिविटी है। आप किसी भी नंबर की एक्टिविटी को कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग पैकेट्स में आए हैं, मैं आपको एक एक पैकेट ओपन करके दिखाऊंगी। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें आपको एक तो मैनुअल जैसा मिलेगा जिसमें आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है, और जो भी सारी चीज़ें इसके लिए एक्टिविटी पूरे करने के लिए लगेगी वो पूरा सामान आपको दिया हुआ है। तो ये पहला जो है ये बैग आर्ट है। इसमें एक जो है ये क्लॉथ का बैग दिया हुआ है, कॉटन का बैग है, और इसके साथ पेंट वगैरह और स्पंज वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं कि इसको आप इजीली बच्चा जो है इसे पूरा यूज़ कर सके। तो आप देख सकते हैं छोटा सा बैग है, इसको पेंट करके अपने मर्जी से जैसा चाहे वैसा पेंट कर सकते हैं। स्पंज दिया हुआ है, तो 2 शेप के स्पंज दिए हुए हैं। तो आप वो भी या आप अपनी ओन कोई भी क्रिएशन, बच्चा अपनी ओन क्रिएशन भी यूज़ कर सकता है। तो स्पंज है, और एक डिश दी हुई है जिसपे पेंट निकाल सकते हो, और पेंट का एक छोटा सा सेट दिया हुआ है, और पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें। तो ये अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये फूड सुडोकू है। तो इसमें क्या है, फूड के आइटम बने हुए हैं और एक शीट में और पीसेस दिए हुए हैं। ये पीसेस सबको एक एक करके निकाल लेना है, और जो भी ये जो पज़ल है आप देख सकते हैं कि इसका भी पूरा मैनुअल दिया हुआ है कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। साथ में जो शीट है ये स्पायरल बाइंडिंग के शेप में है, 8 पज़ल्स हैं। तो जो भी पीसेस आप उसमें से निकालेंगे इस पे लगा के आपको इस तरीके से पज़ल सॉल्व करने हैं, और पेज के जो पज़ल है उसके पीछे भी इसका आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये 8 पीसेस का पज़ल का ये पीस है, पूरी शीट आएंगी। तो ये 2nd तरह की एक्टिविटी हो गई। इसमें जो भी एक्टिविटी है ये इसके अलावा भी अगर आप अपने मर्जी से इसमें कुछ और एडिशन करके कुछ कराना चाहें तो करा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्टिविटी नंबर 1 है। तो ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये एक्चुअली एक गेम है जिसको 2 लोग खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा आइटम आया हुआ है। तो पहले जो है ये 2 प्लेट्स हैं जिसमें फूड वगैरह के आइटम दिए हुए हैं, जैसे ग्रेन, प्रोटीन, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट। तो इससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस आइटम को हम फूड में इंक्लूड करते हैं, किसे फ्रूट्स में इंक्लूड करते हैं, किस समय प्रोटीन मिलता है, ग्रेन किसे कहते हैं। इस तरीके से काफ़ी आइटम्स के बारे में, इनको फूड आइटम के बारे में नॉलेज होगा। तो इसको जैसे 2 प्लेयर खेल सकते हैं। तो इसमें जो इसके मैनुअल में पूरे तरीके से दिखाया गया है और पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से जो गेम के रूल हैं और किस तरीके से इसे खेलना है। अब मटेरियल देखिए, इसमें काफ़ी सारे मटेरियल हैं क्योंकि छोटे छोटे मटेरियल हैं। तो सबसे पहले जो है ये 2 प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। बाकी जो है ये छोटे जो हैं ये टास्क कार्ड हैं। इसी के बेसिस पे हमें खेलना है कि कितने हमें ग्रेन लेने, कितने प्रोटीन लेने, इसके हिसाब से जमाना है, और जो पहले जमा लेगा वो विनर होगा। इस तरीके से ये गेम है। तो आप देख सकते हैं एक जो है ये डाइस भी आया है, इसको फोल्ड करके इसको डाइस के शेप में बना लेना है। और जो छोटे छोटे जो आइटम आपको दिख रहे हैं फूड आइटम, इनको भी अलग अलग करके, इनको फूड टोकन्स हैं ये एक तरह से, इसे कैटेगराइज कर लेना है।
और फिर इस गेम को खेलना है। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि किस तरीके से ये गेम को खेलना है, बाकी पूरा इंस्ट्रक्शन जो है इसके मैनुअल में दिया हुआ है। तो ये अच्छा है, पेरेंट और चिल्ड्रन जो है साथ में ये खेल सकते हैं, और इसमें और भी गेम्स अपने हिसाब से बना के भी इसे खेला जा सकता है। अब हम एक्टिविटी टू है ओपन कर रहे हैं, तो ये पिक अ श्रूम है, तो ये इस पे आप देख सकते हैं ये दो चॉपस्टिक मिली है, ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम है। और बाकी जो मटेरियल है इसमें आएगा एक सेंट टाइमर, जो हम गेम खेलेंगे उस पे टाइमर की ज़रूरत होगी। कुछ पॉम पॉम बॉल्स आए हैं और कुछ मशरूम के टोकन्स आए हैं, जो ये फोम की शीट में है, जिसको आप निकालेंगे तो इजीली निकल जाएंगे। चॉपस्टिक्स के साथ बोल है और रबर बैंड है, क्योंकि यूजुअली हम जो चॉपस्टिक अगर यूज़ नहीं करते तो चॉपस्टिक पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए रबर बैंड से इस पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से उसे आप चॉपस्टिक को बना सकते हैं कि बच्चा उसे होल्ड कर सके। तो इससे चॉपस्टिक यूज़ करना सीखेंगे, और साथ में जो है इसमें काउंटिंग भी सीखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो तीन तरह के जो मशरूम आए हैं इसको पहले अलग निकाल लेना है, और इसको पॉम पॉम के साथ मिक्स करके बोल में डाल लेना है। उसके बाद टाइमर लगा के हमें सिर्फ मशरूम को पिक करना है, तो तीन अलग अलग शेप के मशरूम के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। इस तरीके से बच्चे ये टाइमर के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं, और इसके साथ आप दो तीन और भी अलग से गेम बना सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, इसको कई लोग भी खेल सकते हैं और अकेले भी खेला जा सकता है, तो ये काफी अच्छा गेम है। अब नेक्स्ट हम थर्ड नंबर की एक्टिविटी ओपन कर रहे हैं, तो ये जो है हम इसमें प्लांट के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो इसमें एक शीट दी हुई है जिसमें एक प्लांट का पूरा पिक्चर बना हुआ है, और साइड में उसके बाइफर्केशन भी दिया है कि कहाँ पे फ्लावर्स आएगा, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, स्टेम, बल्ब और रूट आएंगे। और दूसरा एक मैनुअल दिया हुआ है, जैसे सारे एक्टिविटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है कुछ टोकन्स दिए हुए हैं, तो टोकन्स में सामने जो है पिक्चर बने हुए हैं और पीछे उसके नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो टोकन उठा के आपको सब बच्चों से पूछना है कि कि जो पिक्चर बनी है वो किस चीज़ की पिक्चर है और वो कहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से जो शीट दी है उसमें स्लिट दिया हुआ है, वहाँ पे अटैच करते जाना है। तो इस तरीके से एक गेम है, छोटा सा गेम है और इंटरेस्टिंग गेम है बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो है हम 6 नंबर की एक्टिविटी ओपन कर रहे हैं, तो ये जो है ये एक स्टोरी बुक है, बिंकीज फन फेयर स्टॉल करके ये जो बुक है, इसमें पिक्चर बने हुए हैं। तो ये जो है पिक्चर वाली बेड टाइम स्टोरी बुक बन सकती है, तो आप इसे बेड टाइम स्टोरी की तरह पढ़ के सुना सकते हैं बच्चों को। मोस्टली जो है वो पूरी पिक्चर है, काफ़ी कलरफुल पिक्चर है और छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। तो इसमें बच्चे जो है नए वर्ड सीखेंगे, और साथ में आप इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बच्चों को पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से इनकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो ये जो है ये स्टोरी बुक एक एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट जो है ये 7 नंबर की जो एक्टिविटी है, ये जो है ये इंटेली कार्ड्स है, तो इसमें छोटे छोटे कुछ कार्ड्स आपको मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि पिक्चर के साथ बड़े अल्फाबेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये वर्ड्स आपको बच्चे को पढ़ के सुनाना है और उनसे रिपीट करवाना है। इस तरीके से उनकी जो है प्रैक्टिस करवानी है बोलने की, इससे उनको जो है बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके बारे में आप इसके पीछे और भी इंस्ट्रक्शन अगर आप टर्न करेंगे तो आपको और भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जो कार्ड है इससे रिलेटेड आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो आप पूछ सकते हैं और ये एक्टिविटी करा सकते हैं। अब हम ये लास्ट पैकेट ओपन कर रहे हैं, इसमें दो एक्टिविटी दी हुई है। तो एक जो एक्टिविटी है इस पे हमें रेसिपी दी हुई है, जो ये क्रैकर बाइट्स है इस पे पूरी रेसिपी दी हुई है, इसके हिसाब से हमें बच्चों के साथ मिलके वो रेसिपी बनानी है। नेक्स्ट जो है वो शीट है, 10 वर्कशीट मिलेंगी, तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग कलरफुल जो है एक एक पेज की शीट है, 10 वर्कशीट है। इसमें किसी में डिफरेंसेस फाइंड करने हैं, किसी में फ्रूट कलर करने हैं, किसी में वर्ड फाइंड करने हैं, मैच करना है, इस तरीके से अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटी दी हुई है फूड से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक छोटे से इंटेली का जो ये किट है, इसमें ओवरऑल हर चीज़ें इंक्लूड है, गेम से लेके एक्टिविटी से लेके स्टोरी बुक। तो ये जो ओवरऑल पैकेज है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें पूरा फूड के से रिलेटेड आइटम है, फैंटास्टिक फूडीज करके जो है ये किट का नाम है। इसी तरीके से अलग अलग तरह के और भी किट आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो इस प्रोडक्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।